क्रिकेट खेला है, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जो होते हैं सुपरस्टिशियस होते हैं, सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, आपने बहुत बार कोई बताओ किसी का और मजेदार किस्सा। सचिन तेंदुलकर लेफ्ट पैड पहनता था पहले हाँ ऑलवेज। आपने तो किसी को तो कॉपी किया था ना कि सूर्य को देख के और आप दंड मार के जाते थे, सुना तो दो फिर अनुष्का को सुना दो फिर, क्या अपने घर की बात है। कपिल पाजी की आदत होती ना जी कि वो जब बाहर जाते थे ना बैटिंग करने तो सूरज को देखते थे और एक दंड मारते नीचे ऐसे करके बैठक बैठक ऐसे जी। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था, मैं यार एक तो प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं सूरज को देख के और बैठक मार के एकदम से शरीर खुल जाता है, फिर वो यूं यूं करते थे। तो हम उनको उस वक्त ना एडिलेशन इतनी थी, टेस्ट मैच चल रहा श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा मैं नंबर 3 बैटिंग कर रहा, तो आउट हुआ तो मैं भी बड़ी टॉर में बल्ला बल्ला घुमाया ऊपर ऐसे करके देखा, अच्छा और आगे मैंने यूं किया आपकी लंका सबने देख ली अच्छा अच्छा मैं बड़ा पता तो मुझे ही था और तो किसी को पता नहीं लगा, तो मैंने पीछे से यूं कमीज निकाली और कमीज यूं फर कर दिया पीछे, मैं कहा कोई चक्कर नहीं है, मैं फिर अकेला मैं वन लेग ली, शॉर्ट लेग पे रोशन महानामा खड़ा था मैंने वन लेग ली और ये सिद्धू डा व्हाट अ सीनरी डा भाई उस दिन के बाद मैंने बैठक नहीं मारी ना मैं सूर्यदेव को देखा महंगा पड़ेगा भाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि फिलौरी में अनुष्का के ब्रदर जो हैं करनेश शर्मा वो भी प्रोड्यूसर है, वो क्यों नहीं आए वैसे? उसको कोई प्रॉब्लम है आई थिंक। क्या? क्योंकि थ्रू आउट आवर लाइव्स कभी भी हम कहीं बाहर जाते थे, कोई डिनर का प्लान होता था या कुछ, तो कभी नहीं आता था, तो मम्मी पापा और मैं ही जाते थे। चेक कर लो वो क्या करता है आप सबको भेज के। आई डोंट हां बट लेटर ऑन वी रियलाइज आई थिंक वो हमारे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता था। क्यों? आई डोंट नो, मे बी वी नॉट कूल इनफ फॉर हिम। फिलौरी में अनुष्का ने बड़ा ही अच्छा रैप भी किया है, बाकी तो आप समझ गई होंगी। खड़का दो। रेडी। चलिए ये रहा आपका माइक। ओ। आजा फिर से दोहरा जरा, पूरे पिंड के आगे बनता गबरू बड़ा, जा तेरे जैसे देखे बड़े, मैं हूँ लाखों में एक सबसे परी, मैं ही बन जाऊंगी पहचान तेरी, जरा कदर तो करना था मेरी, तू है शेर तो मैं सवा से, ये समझा दू ना रहना तू धोखे में यू, जा दूर फिटे मुँह, जा दूर फिटे मुँह, दूर फिटे लवली क्या बात है। अगर आप भूत बन जाएं तो आप इन सेलिब्रिटीज को कैसे परेशान कर सकती हैं? रणवीर सिंह को तंग करना हो कैसे करेंगे आप? रणवीर सिंह को अगर तंग करना होगा तो मैं उसके वार्डरोब में थोड़े नॉर्मल कपड़े डाल दूंगी, जैसे कि नॉर्मल जीन्स, नॉर्मल टी शर्ट, नॉर्मल जूते। एक्चुअली हाँ, रणवीर के कपड़े बहुत परेशान हो जाएगा वो। रणवीर पता नहीं कहाँ मुगलों के वहां से मॉल में जाके शॉपिंग करता है, लंबी लंबे कुछ भी हो कभी चोटी कर लेता है। ओके ओके, सलमान खान उनको कैसे परेशान करेंगे आप? परेशान ही नहीं करेंगी एक्चुअली। तुम करोगे भूत बनके? मैं भूत बनके जाऊंगा, फिर मैं तो दीपिका के पास जाऊंगा मैं। ओके सॉरी जी। हाय कपिल। हाय अनुष्का। सत श्री अकाल सिद्धू पाजी। अनुष्का मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी जो पिक्चर आ रही है फिलौरी उसमें मैंने देखा आपने गिद्दा किया है, तो मैं आपके साथ गिद्दा करना चाहती हूँ। आपको आता है करना? हाँ तो आ जाओ। मैंने कुछ गिद्दे वालियों को भी बुलाया है। आपने नहीं बुलाया, वो प्रोडक्शन वाले ने बुलाया, इतना तो हमें पता है। तो कपिल प्लीज उनको बुलवा दो। ओके वो बुला लेते हैं, गिद्दे वाले आओ भी। बोल 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 वे तो हॉली हॉली बोल बोल बोल
अनुष्का के लिए और हमारे साथी कलाकारों के लिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया. Hello, band people. Hello, everyone. Hello, hi, hi, hi. Hello, hello, hi, hi. Oh, shit. Hey! Anushka Sharma. Wow. I was sitting inside. I was coming to my voice. I said, this voice is not a voice. Anushka Sharma. Yes. And I was right. Kapu Sharma's daughter. Wow. कपिल शर्मा तुम्हारी सिस्टर आई है, तुमने बताया नहीं. ये तो मैंने नहीं बताया. तो मैं एक आपको और चीज बताता हूँ. क्या? कि अगर आपने ऐसी बात की ना, आपकी पीठ पे मुक्का आने वाला है. मुक्के से डर नहीं लगता है साहब मेरे को, तो जब मेरी टांग मरोड़ के ऐसे करके मार देना तब डर लगता है. हाय अनुष्का, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी. इधर बैठो आप, इस बार नहीं गिरने दूंगा मैं. Myself, Dr. Mishur Gulati, MMBKH. MMBKH मतलब मेरे में बहुत कीड़े हैं. भूल बैठ जाओ. तो ये कीड़े तो रहेंगे ही. आपको कितनी बार कहा है स्विमिंग पूल में जाया करें, हम नाले में स्विमिंग क्यों करते हैं? I love swimming. Oh. You know, I become a fish when I'm in a pool. Oh. I just love the feeling. I like swimming. I am like नाले में इसलिए क्योंकि स्विमिंग पूल में तो नॉर्मल पानी होता है, कोई फायदा नहीं है. नाले में यू गेट सरप्राइजेस. यस. यू नो क्या सरप्राइज मिलता है उसमें? कभी पन्नी निकलती है, कभी खाली बोतल, कभी चिप्स का खाली पैकेट, ये सब निकलता है. उसका मजा ही, बदबू का अलग है उसका एक. That is the reason. और कोई ऐसा कोई कारण नहीं. एंड या स्विमिंग में मैं आपको बता रहा था, मेरे को गोल्ड मिला. तो आपको गोल्ड मेडल किसने दिया? आप कंपटीशन मैंने कब कहा दिया? मैंने कहा मुझे गोल्ड मिला. दिया और मिला में फर्क होता है सिद्धू साहब, इस इंसान को नहीं पता. अनुष्का जी आपको तो पता है, यू आर ब्यूटिफुल. दिया जलता है, मिला जलता है नहीं जलता है? तो डिफरेंस है. इंटेलिजेंट लोगों की बातें हैं, तुमको नहीं पता. लेट्स फॉरगेट ऑल दैट. मुझे गोल्ड मिला बिकॉज मैं ना, आप देखिए मेले वगैरह लगते हैं, लोग उसमें स्नान वगैरह करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहन के ना बैठ जाता हूँ. तो किसी का गोल्ड गिरा तो मेरे को मिला, मिला है मेरे को. कुत्ते का कॉस्ट्यूम क्यों पहनते हैं आप? आपका अपना मुंह इतना अच्छा कंगारू जैसा है. कुत्ते का कॉस्ट्यूम क्यों? ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा शो है तो मतलब कंगारू को ही बात कर रहे हो? इंटरनेशनल. चलो मेरी बातें तो चलती रहेंगी. आप ये बताइए, क्रिकेट को छोड़ के आपके और क्या क्या इंटरेस्ट है? Let's change the topic. Yes, आपकी please. फिल्म आ रही है अभी फिल्लौरी. फिल्लौर जिले के बारे में कहानी है, तो फिल्म का टाइटल है फिल्लौरी. अगर यही कहानी गुड़गांव के बारे में होती तो फिल्म का टाइटल होता गुड़गुड़ी. कैसा लगा मेरा मजाक? आपका जैसा मुंह है ना वैसा ही था. यू मीन सेक्सी, दैट्स व्हाट यू मीन? या डॉक्टर साहब, आपने बहुत फालतू की बातें कर ली. या अब आप चलिए यहाँ से. अरे फालतू की बात से याद आया, आज मेरी बेटी की शादी है. यस, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ. सरला. हाँ पापा. हाय अनुष्का, हाउ आर यू? तुम्हारी सहेली अनुष्का, तुम कॉन्फिडेंस के साथ राम राम मालकिन बोलो. चलो राम राम मालकिन. अरे फिल्म की प्रोड्यूसर बन गई हैं, क्या पता कल को फिल्लौरी का नेक्स्ट पार्ट बने, तुमको हीरोइन ले ले. पर फिल्लौरी का नेक्स्ट पार्ट में अगर ये होगी तो फिल्लौरी नहीं होगा नाम, फिर क्या? फिर होगा गिलहरी, भूखी गिलहरी. आई लाइक दैट. क्यों कपू के सामने ऐसी बातें करते? उसको मौका मिलता है मेरी बेइज्जती करने का. बेटे मेरी चाल है बेटे, अगर तुम्हारे बारे में मैंने करेगा तो मेरे बारे में करेगा ना. तो अनुष्का जी, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको नहीं लगता कि मेरी बेटी हीरोइन मटेरियल है. पापा मैंने आपको
कितनी बार कहा कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है। अच्छा तुम्हें तो करण जौहर बाहर खड़ा ना लॉन्च करने के लिए, तुम्हें नहीं अपना देखो कैसे कॉन्फिडेंस। मुझे लॉन्च नहीं होना है, मेरे इंटरेस्ट अलग है। मैं इसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अलग है, आपको पता है ऐसी बरसात होती ना अनुष्का तो मेंढक होता ना उसके पैर में रस्सी बांध के ना वाटर स्केटिंग करती। हेलो वो मेंढक ने मेरे बांध के वाटर स्केटिंग करती, मेरे शोल्डर छिल गए, सारा तुम क्रेडिट मेंढक को दे रहे हो यार। अनुष्का मुझे लगता है कि आपकी फिल्म की तरह कप्पू और मेरी लव स्टोरी भी ना अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। किसकी? कप्पू की और मेरी। अच्छा मैं कप्पू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो भी करते ये भी? नहीं, मैं कहाँ से करूँगा, आपको लगता है? और मुझे लगता है कि मुझे भी भूत बन के किसी पेड़ में रहना पड़ेगा। रहना क्या पड़ता है, भूत बनने की क्या जरूरत है, तुम लोग वैसे पेड़ पर रहते हो। तुम पता है अनुष्का इनकी चार दीवारी छत नहीं है इनकी? नहीं ना, इधर ही सोते हैं, इधर इनका घर है ये। हाँ इधर ही, इनफैक्ट मेरा भी सेम, मतलब इनफैक्ट इनकी फैमिली में ना अभी डेढ़ हफ्ता पहले कुछ लोग बंदर से इंसान बने हैं। पिताजी तो अभी भी मेरे ख्याल से आपको टाइम है ना। एग्जैजरेशन फालतू का, जस्ट बिकॉज पीपल विल लाफ वी विल से बंदर एंड ऑल। बेटा तुम्हारी शादी का मुहूर्त आ गया, जल्दी से तुम्हारे पेड़ से शादी करते हैं, दूल्हा रेडी है, चलो भाई जल्दी करो। पापा यहाँ कप्पू सामने बैठा है, मैं क्यों पेड़ से शादी करूंगी? बेटे तुम पेड़ और कप्पू को कंपेयर नहीं करना, ना ना ना, ये कप्पू क्या है, पेड़ से तो फल लगते हैं बेटा, ये तो हमारे हमें तो कुछ देगा भी नहीं, ये तो बल्कि हमारा इंटरव्यू ले लेगा और हमारे पास तो ले दे के बेटे इंटरव्यू। अरे लेकिन पेड़ से कौन शादी करता है? तुम करोगी, इसकी फिल्म में भी हुई है शादी, ठीक। अरे वो इसलिए क्योंकि लड़की की कुंडली में कोई दोष था, राइट? लड़की कुंडली में दोष था तो शादी हुई, ठीक है। तेरे तो बेटे शक्ल में बड़ा दोष है। कैसे पापा यार? उन्होंने पेड़ से शादी की, तेरे जितने दोष है तेरी तो बगीचे से शादी होनी चाहिए। चलो जी अभी हम लोग पेड़ तो क्या है, यहाँ पे चल के आ नहीं सकता है, दूल्हे पे घोड़े पे बैठ नहीं सकता, ऑब्वियसली पेड़ कैसे बैठेगा ना दूल्हे पे। तो हमने ये डिसाइड किया इन द फैमिली मैटर्स के जो लड़की है वो घोड़े पे बैठेगी। लेके आ घोड़ी ब्रात। आओ जी ब्रात है। आज मेरी बेटी की शादी है, ओए माँ बेटी की शादी है, मेरी भाई बेटी की शादी है, ओए माँ। ये हमारे दामाद जी हैं। दमाजी आपको हार किधर से पहनाना है ये बताइए। जूता चुराई की रस्म के लिए तो खोदना पड़ेगा। ये सहरा है? ये सहरा है ऑफ कोर्स। दमाजी मुंह दिखाई। आज मेरी बेटी की शादी है। आप ये आप सिद्धू जी की चेली हैं जो इतना हंस रही हैं आप है? एक मिनट, आपने लगता मुझे पहचाना नहीं, मैं जरा अंकल जी को लेटा दूं एक मिनट। ओह आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, आई एम भूतनी, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा। तू तो 10-12 की मां लग रही है मेरे को। मैं गोस्ट हूँ, गोस्ट। गोस्ट नहीं, 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 शो का होस्ट तो ये है द कपिल शर्मा, तुम कहाँ से है भाई? मैं पिशाच हूँ। यहाँ दीवार पे लिखा है यहाँ पिशाच करना मना है। प्रेत हूँ मैं, प्रेत, प्रेत पता है? प्रेत नहीं तो मोटी है।
प्रेत ये ऐसे होते हैं ब्यूटीफुल एंड फिगर एंड ऑल. ये तू अपनी तरह देख, शर्म कर. कहां से तेरे को देख के डर नहीं लगता? तेरे को देख के गुस्सा आ रहा है मेरे को. ए, प्रेत है. एक मिनट रुक जाइए. हाय, आप यहाँ पर मौजूद हैं? हाय शशि. हाय शशि आई हुई है. ए, बस बस ये वाली शशि नहीं है. अच्छा, आप पेड़ से कब उतरी? अभी कुछ. अरे कुछ पल पहले क्या? हाँ, लेकिन सेम प्रॉब्लम हो गई हम दोनों के साथ. देखिए, आप भी पेड़ पे रहते हैं? हाँ, मैं भी पेड़ पे रहती हूँ. जिस तरह आप वो लड़का आया और ऐसे आपकी शादी हो गई ना उसे, सेम चीज अभी ये आए और मेरी इनके साथ शादी हो गई. हाँ, लेकिन आप लकी हैं, आपकी इंसान से तो हुई, मेरी तो क्या किसी हैवान से हुई है. हमारी शादी कैसी होगी बे? अभी हुई ना. मैंने तो अभी दो ही फेरे लिए थे. हाँ, बाकी के 5 महीने ले लिए. तुमने 5 कब ले लिया भाई? भाई मुझे भूख लगी थी, मैंने ले लिया. अब ज़्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है. हमारी शादी हो चुकी है, तो अब आपकी प्रॉपर्टी में, आपके अस्पताल में जो कुछ भी आपके पास है ना, उसमें हमारा आधा 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 हिस्सा होगा. एक मिनट, पहली बात तो भूत लगती नहीं. मेरे को लग रहा है तू चुड़ैल है. ठीक है, ऑब्वियसली तू चुड़ैल ही है. चुड़ैल के पैर होते हैं उल्टे, तेरे सीधे. पकड़ा है मैंने. आई वॉच CID एवरी डे. मुझे अपनी ID वगैरह दिखाइए. कोई लाइसेंस, इंश्योरेंस, RC वगैरह कोई है तुम्हारे पास भूत की? ऐसे कैसे मान लेंगे? मैं डॉक्टर हूँ, आई गो बाय फैक्ट्स. अरे कहाँ पर ID कहाँ होती है भूत की? मैं सचमुच 100% भूत हूँ. मैं आपको सच बता रही हूँ. कोई मुझे थैंक यू भी कहता है ना, तो मैं मोस्ट वेलकम नहीं कहती, मैं कहती हूँ गोस्ट वेलकम. जोक तैयार नहीं करती है तो बना लेती हूँ मैं क्विकली. ये सुन के भूत भूत हंसी आई. ये तो ठीक है. अब चाहती क्या आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेड़ पे रहना बहुत मुश्किल होता है. हाँ. वैसे मैं एक्चुअली आपसे पूछना भूल गई, आपका पेड़ कौन सा था? मेरा है प्रीपेड है. पेड़ भी पेड़ नहीं है, दैट इज अ जोक. लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है पेड़ के ऊपर. सच में वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है. क्या है? खाली पत्ते हैं, डाल हैं. उस दिन मैं थोड़ा सा चावल लेके आई, फिर मैंने डाल के साथ डाल चावल खाया. और भी प्रॉब्लम होती है. बात करने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं है. हाँ. उस दिन खाली चमगादड़ आया. हाँ. अब वो सीधी बात तो करता नहीं है. हाँ. आते उल्टा लटक जाता है. हाँ. तो उल्टी बातें करता है. उल्टी बातें करता है तो हमारा झगड़ा हो जाता है. हाँ. बहुत प्रॉब्लम है. कोई है ही नहीं पेड़ पे. बोर हो. चमगादड़ भी सोचता होगा भाई पहाड़ के ऊपर पेड़ उगते थे, पेड़ के ऊपर पहाड़ चढ़ गए. पर मैं सच बताऊं, पेड़ पे तो मैं इतनी बोर हो रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ पेड़ पे एक बैंक खोल लेती हूँ. बैंक? हाँ, एटलीस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस. लेकिन सच में ना, आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बिजी रखता होगा ना. हाँ, मैं बहुत ऐसे रहती हूँ. लेकिन क्या है ना, डेड लोगों का और भी प्रॉब्लम है. मैं कोई मैच भी नहीं देख सकती. अच्छा. क्योंकि मैच सारे होते हैं लाइव और मैं हूँ डेड. देखो कोई लाइन भी देता होगा तो डेड लाइन होती होगी ना. एक तो मेरा भी पता है अनुष्का, ये ऐसा है, सर हला ला के ताली जाती ना, एक दिन इसका सर गिर गया तो घूम के उधर मैंने रखा वापस ला के. कपू तो बम्पर लग रही मेरे को. यस कपू, दैट्स व्हाट. कौन बम्पर? मैं भी CID देखता हूँ, मुझे भी पता है. मुंह इधर लाओ, मुंह इधर लाओ. ले आई बम्पर, पकड़ी गए. आज सिद्धू साहब ये फैसला हो गया कि ये बम्पर है. करेक्ट. और ये अब तक भूत बनकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी. मैं और क्या करूं, 6 महीने से इनके लिए काम कर रही हूं, 1 साल से सैलरी नहीं दी. मुझे पहले लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसे स्टेप्स लेने ही होंगे. कैसे स्टेप्स? ऐसे वाले. इधर आ, इधर आ. हाँ, भूत बनना है तुझे? हाँ, मुझे बनने का शौक तो था. मैं बनाता हूँ तुझे भूत. अंदर चल. अरे लेकिन चल, यहाँ पे